Hello everyone, my dear students. How are you all? Today we are going to start chapter 3 from your class 8th civics parliamentary government. आज हम करेंगे parliamentary government के बारे में कुछ discuss करने वाले हैं. I hope कि chapter 1st and 2nd की videos आपने देख ली होंगी एंड आपने उनके बारे में बहुत कुछ समझा होगा, हमारे गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में, हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म के बारे में, हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में बहुत कुछ आपने उन दो वीडियोस के अंदर में, टू चैप्टर्स की वीडियोस के अंदर में समझ लिया होगा. अब बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होता क्या है, किस तरह से काम वर्क करता है, एक डेमोक्रेसी के अंदर में पार्लियामेंट्री की क्या वैल्यूज़ हैं, उसके वर्क क्या क्या है और वो कैसे काम करते हैं, हम ये अपने चैप्टर थ्री सिविक्स में समझेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं होते क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. अगर बेटा पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट एक तरह से अगर आपको लेकिन एक लैंग्वेज में बताऊं तो देखिए ठीक है, एक घर है. पार्लियामेंट क्या है, एक घर है. इस घर के दो कमरे होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, जिसको हम अपने अलग वीडियो के इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और इसके लिए एक अलग से प्रिपरेशन जो हम इसकी प्रोसेसिंग को अच्छे तरीके से समझेंगे. फिलहाल हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को पढ़ते हैं. तो ये पार्लियामेंट होती है, ठीक है, इसको हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है. तो बस समझिए क्या होता क्या है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव थ्री मेन ऑर्गन्स. हम किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कि कोई डेमोक्रेटिक कंट्री एक आसानी से रन कर पाती है, ठीक है. जैसे कि किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसके लिए आवश्यक जरूरी है स्टीयरिंग व्हील एंड इंजन. तो बेटा ऐसे इन तीनों के लिए, जैसे एक कंट्री को चलाने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बिना हम किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को एक फ्लॉलेसली एक बहुत ही पीसफुली रन नहीं कर सकते. तो उनको रन करने के लिए कुछ सेटअप्स की जरूरत होती है, उन सेटअप्स की मदद से उन डेमोक्रेटिक कंट्री को चला जाता है. और वो सेटअप्स का नाम क्या है, वो सेटअप देखिए, वो एक होता है पार्लियामेंट्री. उस पार्लियामेंट पूरे एक तरह से उस पार्लियामेंट के अंदर ही सारे सेटअप्स होते हैं कि कौन क्या काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, किसकी क्या शक्तियाँ होंगी, कौन क्या नहीं कर सकता, कौन क्या क्या कर सकता है, ये सब कुछ एवरीथिंग सेटअप पार्लियामेंट के अंदर ही होता है. तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, ओके बेटा. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है द थ्री मेन ऑर्गन्स, और इसकी जो ऑर्गन्स है तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं. पहला होता है हमारा लेजिस्लेचर, मीन्स विधायिका, इसको हिंदी में बोलते हैं हम विधायिका, मीन्स विधान. विधान मीन्स कानून बनाना, लॉ प्रिपेयर करना, ठीक है. पहला ऑर्गन होता है कि ये लोग प्रिपेयर करती है सोच करके समझ के. यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी व्यक्ति मीन्स इंटेलेक्चुअल पर्सन बैठे होते हैं जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लोगों के विचारों को ध्यान में रख के, उनकी चॉइस को ध्यान में रख करके, उनके फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कि उनको क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा, वो सब अच्छी तरह ध्यान रख करके. और सबसे बड़ी बात कि वो ये ध्यान रख करके कि इंडिया इज़ ए डाइवर्सिटी कंट्री, यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग पूजा और अर्चना में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं, खान पान अलग है यहाँ के, इवन देन जोग्राफिकल एरिया अलग अलग है. ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये लोग कानून बनाते हैं, एक ऐसा कानून जो सबको इक्वेलिटी देता हो, ठीक है. तो हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमारा सेटअप कैसा हुआ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हुआ. ये बात आ गई समझ में, ओके. अगर बेटे ये बात समझ में आ गई है फिर सुन लीजिए, हमारी कंट्री का जो गवर्नमेंट का जो एक नेचर है वो है डेमोक्रेटिक, और उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, मीन्स पार्लियामेंट के थ्रू वो गवर्नमेंट चलाई जाती है. और इस पार्लियामेंट के अंदर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स मिनिस्ट्रीज होती हैं,
उन मिनिस्ट्रीज के काम होते हैं और अलग अलग करते हैं, और इस पार्लियामेंट के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो तीन होते हैं, और ये पहला है हमारा लेजिस्लेचर, वेल फ्रेम्स द लॉ, जो क्या करती है कानून को बनाती है, और कैसे बनाती है ये ध्यान में रखकर कि इंडिया इज अ डाइवर्सिटी कंट्री, कि एक डाइवर्सिटी कंट्री है, इसके अंदर में ऐसा कानून ना बन जाए जो किसी एक कम्युनिटी का हो तो फेवर करता हो, बाकी दूसरी कम्युनिटी को फेवर ना करता हो। तो ऐसा कानून बनाए कि जो सबको इक्वलिटी देता हो, सबके लिए अच्छाई सोचता हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता हो, तो ये काम है हमारा फर्स्ट। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट लेजिस्लेचर विच फ्रेम्स द लॉ, वो कानून को बनाती है। अब आता है, देखिए ये बात आ गई समझ में बेटा आपको, आगे देखिए, द एग्जीक्यूटिव विच इंप्लीमेंट द लॉज। अब सेकंड हमारा क्या आ गया, ध्यान से देखना बेटा, ये सेकंड है हमारा सेकंड ऑर्गन एग्जीक्यूटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम कार्यपालिका, कार्यपालिका। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, कार्य मतलब काम करने वाली, ये क्या करती है एग्जीक्यूटिव विच इज इंप्लीमेंट द लॉज, ये लॉज को इंप्लीमेंट करती है, मीन्स उसको फैलाती है, यानी जगह जगह उनको बताती है कि क्या कानून बनाए गए, वो इंप्लीमेंट करती है, ये कानून को इंप्लीमेंट करवाती है, मीन्स पालन करवाती है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव पहला हमारा हुआ लेजिस्लेचर, जो कानून बनाती है। फिर आता है हमारा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, जो कानून को फ्लो में लाती है, यानी वो फ्लो में लाती है कानून को, जो भी कानून इन्होंने बना दिया वो फ्लो में लाएंगे कि वो सब तक पहुंच जाए, वो इम्प्लीमेंट हो जाए। एग्जीक्यूटिव विच इज द इम्प्लीमेंट्स द लॉ, वो कानून को बनाती है। एंड द फोर्थ थर्ड जो ऑर्गन होता है वो हमारा जुडिशरी होता है, सॉरी थर्ड, ये क्या होता है हमारा जुडिशरी होता है, ठीक है। थर्ड ऑर्गन और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का क्या है बेटा, वो हमारा जुडिशरी है। एंड द जुडिशरी जुडिशरी विच रिजोल्व द डिस्प्यूट एंड मेंटेन द ऑर्डर। जुडिशरी क्या काम करती है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पार्लियामेंट्री सेटअप के अंदर में क्योंकि बेटा वी आर प्राउड दैट वी आर लिविंग इन ए कंट्री विच इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हमारी दुनिया, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वी हैव द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हम दुनिया के सबसे विस्तृत कानून हमारे पास है। तो इस पूरे विस्तृत कानून को, इस पूरे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश मतलब जहाँ पर जनता की चलती हो, जनता ही कानून बनाती है, जनता चलती, तो उसको आप अच्छी तरह समझ चुके कि डेमोक्रेसी का मतलब आपने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया होगा। तो इन चीज़ों के अंदर में, इनके अंदर में बहुत सारे सेटअप्स होते हैं, सब सेटअप्स अपना अपना काम करते हैं। अगर कोई सेटअप अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता, या वो अपना काम को ठीक ढंग से कर रहा है लेकिन वो अपनी ताकत से ज़्यादा काम कर रहा है, मीन्स अपनी बाउंड्री से बाहर जा रहा है, मीन्स उसकी वो वैल्यू नहीं है, काम ही नहीं है, तो वो सब काम क्या करेगा, जुडिशरी उसको बताएगा, जुडिशरी उसको मेंटेन में करेगा कि नहीं आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते, और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो गया, जैसे मान लीजिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंदर ही आपस में ही डिस्प्यूट होने लग गया कि आप में ये काम मेरा है, वो कहेगा ये काम मेरा है, ये आपको कर रही है, तो इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व भी जुडिशरी के थ्रू ही किया जाएगा, और जुडिशरी का जो फैसला सुनाएगी वो इन दोनों पर इम्प्लीमेंट होगा, मतलब माना जाएगा, इन दोनों को मानना पड़ेगा कि नहीं यही ठीक है। और जुडिशरी का काम क्या होता है, तो जुडिशरी का जो हमारा और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है इंटरप्रेट द लॉ। इसका मतलब होता है कानून की व्याख्या करना। जुडिशरी क्या करता है बेटा, कानून की व्याख्या भी करता है, मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। अगर किसी मुद्दे को लेकर के, कोई चीज़ को लेकर के आपस में विवाद हो जाए कि नहीं ये कानून ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़, आपस में कई बार दो राज्य आपस में लड़ने लग जाते हैं कि नहीं ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, दो गवर्नमेंट आपस में लड़ जाती हैं, कभी कभी किसी चीज़ को लेकर के आपस में लड़ाई हो जाती है, कभी किसी बहुत बड़े देश के हित के लिए, मुद्दे के लिए आपस में लड़ाई होने लग जाती है, तो उसका डिस्प्यूट का सॉल्व भी
जुडिशरी ही करती है, प्लस उसको इंटरप्रेट भी करती है कि नहीं आपकी ये शक्तियां हैं और आपकी ये शक्तियां हैं। ठीक है, ठीक है, ये से इसे बोलते हैं आप इंटरप्रेट द लॉ, यानी कानून की व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे या अगर आप बताओ कि भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जुडिशरी, तो आप दो चीज लिख सकते हो बेटा यहाँ पर, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स फर्स्ट, सेकेंड द इंटरप्रेट द लॉ, कानून को इंटरप्रेट करना कि किसी चीज के बारे में अगर डिस्प्यूट पैदा हो जाता है या खत्म हो जाता है तो उसको हम डिस्प्यूट भी उसको व्याख्या करना या उसको बताना कि नहीं इसके आप ये काम कर सकते हैं, वो जुडिशरी ही करेगी। ठीक है, तो हमारा पहला क्या हुआ लेजिस्लेचर, देन सेकंड हुआ एग्जीक्यूटिव, तीसरा हुआ जुडिशरी। वेरी गुड। ठीक है, विच रिजॉल्व द डिस्प्यूट एंड मेंटेन द ऑर्डर्स, मेंटेन द डिस्प्यूट एंड मेंटेन द ऑर्डर्स, कि जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं, जो आदेश दिए गए उनको भी मेंटेन करती है। इन ए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव डिपेंड ऑन द स्पोर्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो लेजिस्लेचर के ऊपर में डिपेंड होती है। जब तक लेजिस्लेचर कानून नहीं बनाएगा ये काम नहीं कर पाएगी, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो लेजिस्लेचर के ऊपर में डिपेंड होती है। इन्होंने कानून बनाया, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, एंड डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट देखिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम सबको समझ लेनी चाहिए, और आई थिंक सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को भी ये 101% बेटा आपके दिमाग में रखना है। याद रखना, सोशल साइंस के अंदर में और पॉलिटिकल साइंस के अंदर में जब भी स्टेट जैसा शब्द आया हुआ हो, स्टेट, स्टेट का मतलब इट इज मीन्स इट इज रिप्रेजेंट टू कंट्री, वो किसी राज्य का मतलब, जैसे हम बोलते हैं बिहार राज्य, बिहार स्टेट, हरियाणा स्टेट, ठीक है, राजस्थान स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, ये स्टेट है, बाकी हम ये और ये सारी स्टेट किसके अंदर है, एक कंट्री के अंदर है ना, एम आई राइट, वेरी गुड। बट बेटा जब सोशल साइंस के अंदर में जब एक स्टेट का नाम लिया जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है पूरी कंट्री को, तो याद रखना ये किसी स्टेट की बात नहीं चल रही, किसी बिहार, बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मेघालय, असम, मणिपुर, ये इनमें से किसी राज्य की बात नहीं चल रही, पूरी कंट्री की बात चल रही है। ठीक है, जब स्टेट का मतलब आए तो क्या करते हैं, ठीक है, और यही होता है बेटा, स्टेट का मतलब सोशल साइंस के अंदर में पूरी कंट्री का ही होता है। ठीक है, डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट मींस कंट्री, जो कंट्री का जो हेड होता है, एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो सरकार का जो मुखिया होता है, इनके बीच में काम करना ही पार्लियामेंट्री फॉर्म करवाती है। कि सरकार का मुखिया, आप देखो ये मैंने आपको कई बार पहले भी बताया हुआ है, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर, रिमेंबर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार का मुखिया कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। वेल, जबकि द हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, और राज्य का मींस कंट्री, मैंने फिर कहा स्टेट रिप्रेजेंट टू कंट्री, ठीक है, स्टेट रिप्रेजेंट किसको, कंट्री को, और कंट्री का मुखिया कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, सरकार का मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है, सरकार तो कोई भी हो सकती है, बीजेपी की, कांग्रेस की, किसी और दूसरे दल की भी हो सकती है, तो सरकार किसी की भी हो उसका मुखिया जो होगा, जो देश के अंदर में सरकार काम कर रही है, सरकार, मैंने कहा सरकार मींस गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसका मुखिया बेटा प्राइम मिनिस्टर होगा, और पूरे देश का मुखिया हमारे प्रेसिडेंट होंगे। ये बात आगे समझ में, ठीक है, स्टेट एंड हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, और दूसरा बेटा जो सबसे बार मैं कई बार बोलता रहता हूँ, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मुखिया भी भारत के राष्ट्रपति होते हैं, चीफ ऑफ द कमांडर और वो भी भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेनाओं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों सेनाओं के मालिक मींस चीफ कमांडर भी भारत के राष्ट्रपति होते हैं, संविधान के मुखिया भी राष्ट्रपति होते हैं, मींस कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ यानी हेड भी भारत के राष्ट्रपति होते हैं, और कंट्री के हेड भी
भारत के राष्ट्रपति होते हैं, और सिर्फ प्रधानमंत्री क्या होते हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ केवल सरकार के मुखिया होते हैं। ओके, आई होप कि बेटा ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ये वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर करना और बेटा अपने फ्रेंड्स में इस वीडियोस को शेयर भी करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड यू कैन टेक ऑल्सो स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।